तो भाई मैं सो के उठ गया और मैं अपना ड्राइव पे वीडियो अपलोड कर रहा था। ये अपने प्रसाद भाई को वीडियो जाएगी, वो एड करके देंगे। और भाई आज क्या मैं सोच रहा हूँ कि स्कूटी को धुलवा लूँ, स्कूटी बिल्कुल गंदी हो रखी है। तो मेरे दोस्त की एनफील्ड भी है तो वो भी धोने ला रहा है, तो अपन फटाफट चलते हैं। अब तक देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। मम्मी क्या कर रही हो? कुछ नहीं, कपड़े सुखा रही हो। कपड़े सुखा रही हो, संडे वाले दिन मेहनत कर रहे हो। काम वाली नहीं आई क्या आपकी? काम वाली आई है भाई। अरे पता है क्या हुआ है, मम्मी की ना एक काम वाली थी जो मम्मी ने लगवा रखी थी, वो बंदी पैसे लेके गांव भग गई और अब मम्मी को धमकी दे रही है कि मैं नहीं आऊंगी, मेरे पैसे नहीं है। तो हमारे पैसे भी गए, काम वाली भी गई और दूसरी काम वाली को भी पैसे देने पड़ रहे हैं, तो वो थोड़ा सैड सीन है। और मम्मी को भी खुद काम करना पड़ता है ना। कोई नहीं, जरूरी है, मैं मोटी भी तो हो गई हूं। मोटी तो हुई यार, आप कमेंट करके बताओ मम्मी मोटी लग रही है नहीं लग रही पहले से। लग रही ना। तो अपना दोस्त अभी ना रहा अपनी एनफील्ड लेके, फिर अपन स्कूटी और उसकी बाइक दोनों धुलवाने चले। A few moments later. तो भाई अपनी स्कूटी धुल रही है भाई, जब से आई है पहली बार ये धुल रहा है, मैंने बिल्कुल भी नहीं धोई थी। देखो कितना गंदा पानी गिर रहा है। और ये एविन की भाई पूरी धुल चुकी है, ये बस पानी गिर रहा है, सूखेगी, उसके बाद एक कपड़ा मार देंगे। Later that same evening. तो भाई आज भी अपन निकल रहे हैं ग्रफ फेस्ट के लिए। एक्चुअली क्या मम्मी और पापा तो गए हुए हैं कुछ सामान लेने, घर पे सिर्फ डॉलर अकेले भाई साहब हैं। तो भाई इसे अपन छोड़ के जा रहे हैं बेचारे के लिए, मैंने खाना पानी सब छोड़ दिया है। तो अपन निकलते हैं फटाफट, मैं अपने दोस्त के साथ ही जा रहा हूँ, जाबिर के साथ। तो देखते हैं क्या सीन बनता है, जाके थोड़ा चिल विल करेंगे। अभी क्या मेरे पे थोड़ा पास का लफड़ा हो गया है, अपन पे 3 पास थे कल रात तक, बट क्या हुआ मेरा दो पास थे वो थार में थे और भाई ले गया थार को। तो अभी जाके देखते हैं, अगर एक एक्स्ट्रा पास हो पाया तो ही एंट्री होगी, लोचा ना हो जाए कुछ। भाई ने एक नंबर दिया बात करने के लिए भाई किसी दोस्त का, तो मैं उनसे बात करूंगा, होपफुली पासेस का जुगाड़ हो जाएगा। तो अपन ने ट्रिप पहन लिया, निकलते हैं बाहर। One hour later. तो भाई अभी अपन जाबिर के घर के नीचे मिले। एक्चुअली क्या इसके भाई रोजे चल रहे हैं, तो अभी रोजा तोड़ के सीधा उतरा ही होगा, तो ये मेरे साथ चलेगा। तो भाई जाबिर आ गया, भाई रोजा खोल लिया तूने? कब का भाई, झूठ बोले, रोजे रखता भी है तू? सारे माशाल्लाह, झूठ बोलता साला, कुछ नहीं रखता। तो भाई अपन स्कूटी से आए थे, स्कूटी यहाँ खड़ी कर दी, चले भाई चलो इसके पास का मैंने जुगाड़ कराना। अपन पे तो देखो एक पास है कल वाला, अपन दूसरा पास लेंगे यहाँ पे, एक रामू भैया करके भाई के जानकार। मिल गया भाई पास, बस अब ये बस बोले जानकारी नहीं आया। You are you ready? Now, if you are ready, I want to see your phone. वीआईपी पिट से निकल गया भाई, मैं किसी को हेट नहीं देना चाहता, बट भाई बहुत डेड कॉन्सर्ट होता है। मैं हेट नहीं देना चाहता, बट जो फील हो रहा है वो तो बताऊंगा भाई। मैं इसके ना आईपीए कॉन्सर्ट में गया था भाई, क्राउड में आगे लोग खड़े होकर फोन चला रहे हैं यार, तो इसलिए मेरे को पहले लगा परमीश वर्मा आ रहा है, इसलिए मैं आ गया। परमीश वर्मा में भी यही हाल होता है, इसका ऐसा नहीं आता गा देता है। अबे आते है मेरे को आ जाते बोल, आ ले चक्कर में आ गया, क्या लाओ बता देगा। कट कट प्रसाद भाई कट नहीं। भाई कुछ कुछ बंदे तो गिरने ही आते, बंदे के लेयर्स देख भाई, गिरेगा भाई आराम से, भाई आराम से। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। ओ भाई भाई मैं तो बोल ही रहा था, जाबिर ने पैर रख दिए जान भाई, लेसन लेसन नहीं रखेगा। ओ भाई लेवल ही अलग है बंदे का यार। अब अपन निकलने की सोच रहे हैं, सीन क्या बना है कि अपन ने खाने का देखा भाई बहुत एक्सपेंसिव है, ओवर द टॉप एक्सपेंसिव है, तो हमें नीड नहीं आने की। अभी क्या मेरा दोस्त गगन रहा था पास में, तो उसके घर चल रहा है, मेरे को उससे कुछ काम भी, सामान भी लेना है कि नहीं भाई। चलो भाई योगी पाजी से मिलेंगे, उसने ब्रेसेस भी लगवाया है, उसका दिखाएंगे क्या दाद होगा, क्या सीन बना है। तो भाई अपन निकल गए फेस्ट से, जाबिर ने अपना बैंड किसी को दे दिया, मैंने भी अपना बैंड किसी को दे दिया। दाढ़ी वाली क्यूटी थी, बड़े बड़े दाढ़ी के बाल थे सर पे, बाल लिए थे हम शरीफ अब ब्रह्मचारी लौटने लड़कियों का आते लगाते हैं कि नहीं भाई, क्या चुप हो गया नहीं झूठ बोल रहा है।
तो भाई अभी अपन जा रहे थे और यहाँ मैच हो रहा है मैं समझे क्यों लेता साले तू हेलो चुका अच्छा लाइटें क्यों जल रही है फिर ज्यादा बिजली का पैसा लगता है अपन पहुंच गए पुरानी दिल्ली में और भाई इस टाइम सड़कें खाली हैं इस टाइम सड़कें खाली क्यों है भाई हाथ पड़ रहे हैं भैया सारे हैं तूने क्यों नहीं पड़ी भाई गाँव मुझे देखो कितनी सुंदर लग रही है रात को अभी अंदर भी चलेंगे इसमें भाई तो भाई आगे नमाज हो रही है तो अपन यहाँ से गाड़ी घुमा रहे हैं और यही कहीं लगाएंगे लगा दिया अपन चलते चलते जाएंगे जामा मस्जिद साइड अभी भूख भी मेरे को बहुत जोर से लग रही है तो मैं देखता हूँ भाई मेरे हिसाब से कुछ वेज मिलेगा नहीं मिलेगा आई एम होपिंग थोड़ा बहुत मिल जाए भाई वेज मिलेगा वेज खाना है वेज बिरयानी पुलाव कहते हैं भाई उसे यार गजब बेइज्जती है तो भाई इस होटल का नाम देखो या अल्लाह चला दे होटल और सही चलता है भाई चलता है ले सही है भाई भाई किसी को बिजनेस खोल रहा हो तो भाई ये काफी सही टाइटल है चला दो या अल्लाह चला दो मेरा होटल या फिर कोई शॉप या आईटी कंपनी तो आपकी बढ़िया चलेगी भाई रौनक देखो कितनी लगी हुई है भाई और रात के 11 बज रहे हैं लिटरली भाई बहुत सुंदर लग रहा है पुरानी दिल्ली तो रेस्टोरेंट में सीढ़ियां देखो कितनी अपराइट है मेरे मुंह की सिदाई पर सीढ़ियां हैं ओ भाई छोड़ छोड़ के थक गया मैं इस वाली सीट पर बैठेगा माय डेट खाना तो आ गया मैं तो खाऊंगा दाल मखनी और अपनी नान बाकी ये चिकन तोड़ रहा है आराम तो भाई अपन ने खाना खा लिया और भाई गले तक पेट भर गया मैंने भाई प्रॉपर 4-5 नान खींच दी और अपन शाही टुकड़ा खाने आ रहे हैं उसके बाद देखते हैं क्या सीन बनता है। A few moments later. शाही टुकड़ा खाने आया हूं भाई इतनी भीड़ लग रही है और ये रात के 12 बज रहे हैं लिटरली देखो भाई एंड तक भरा पड़ा मैंने भी शाही टुकड़ा टेस्ट किया और भाई प्रॉपर ये आम है आइसक्रीम ना पता नहीं चल रहा कि भाई कुछ है इसमें प्रिजर्वेटिव्स नेचुरल है यार एकदम साले आज क्या कह रहा था तू भाई मेरे को क्या पता है घर में बनाते ही बनाते हैं मेरे को क्या पता है शूटिंग चल रही है भाई शूटिंग चल रही है उन्होंने ले लिया मोहब्बत है क्या है ये भाई बढ़िया है वाटरमेलन वाला शरबत हां तो भाई ट्राई करते हैं हाँ बढ़िया भाई एक नंबर है भाई यहाँ पे 12 बज गया और बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा कि भाई 12 बज गया है इतनी रौनक है इतनी भीड़ है यहाँ प्रॉपर भाई भीड़ भड़कता है मतलब जाम लग रहा है रात के 12 बजे भाई अपन गगन खैर वापस आ गए थे मैंने प्रेशर वॉशर ले गेट बंद किया अपन चल रहे हैं नीचे तो भाई मेरे को लगा था इसकी डिग्गी में आ जाएगा बट इसको मेरे को आगे रख के ले आना पड़ेगा 2 hours later आ गया और इसको मैं जरा खोलूंगा तो इसमें सामान निकालते हैं ऊपर चलते क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई मम्मी गुस्सा करी तो भाई मैं रात में आ गया था सो के भाई मेरे को बिल्कुल ही टाइम नहीं बना और मैं स्टार्टिंग आज सुबह दिन से बाहर हूँ वीडियो बना तो बस यार इस वीडियो को एक खत्म करते हैं अगर आपको जामा मस्जिद देखने में मजा आया तो अभी रमजान चल रहा है तो भाई रमजान के चक्कर में बहुत भीड़ रहती है सारे लोग अपनी शहरी करने और सब मतलब रोजा तोड़ने वहीं जाते हैं तो ये चीज यूनिक थी दिल्ली की जो मैंने कवर करके दिखाई आप गई हो ना जामा मस्जिद तो भाई जामा मस्जिद गया था इस व्लॉग में अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और ये डॉलर भाई साहब परेशान कर रहे हैं और अगर आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा तो ये डॉलर के ऊपर मैं इंस्टाग्राम की लिंक चला रहा हूँ फटाफट जाके फॉलो कर लो मेरी लाइफ के लिए अपडेट्स पाने के लिए तो भाई आज जो मैं पर कंटेंट कवर कर रहा हूँ बहुत ही यूनिक है तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड वो कल आएगा मेरे चैनल पे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय